टॉप फाइव बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 70,000। तो भाई अगर आपको कैमरे के रिलेटेड स्मार्टफोन चाहिए एंड अगर आपका बजट 70,000 है ना, तो भाई ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन डोमिनोज, वेलकम टू दी आसला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को दो सब्सक्राइब, वीडियो को दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे करो फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वाइज, स्टार्ट करते हैं सीधी बात करते हैं नंबर फाइव की। नंबर फाइव की बात करूं, नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस को। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको एक स्टाइलिश डिजाइन मिल जाता है, प्लस इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे देखने को मिल जाते हैं, प्लस भाई आपको प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा मिल जाता है। अगर आपने हार्ड कोर गेमिंग करनी है, मतलब भाई अगर आपने हाई ग्राफिक पे गेमिंग करनी है, आप इजिली नॉर्मली कर सकते हो। प्लस भाई अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, उसके साथ साथ आपको कैमरे के रिलेटेड स्मार्टफोन चाहिए, तो भी आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस। बिकॉज आपको 8K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है बैक कैमरे में, फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत तगड़ा होने वाला है भाई। अगर आपने सिनेमैटिक शूट करना है, व्लॉगिंग करनी है, ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है, रील्स बनाते हो, टिकटॉक बनाते हो, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस भाई अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी होगी या पबजी वगैरह होगी, हाई ग्राफिक पे अगर आप खेलना चाहते हो, आप इजीली खेल सकते हो। प्लस भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, सैमसंग का प्राइवेसी सिस्टम बहुत तगड़ा होता है भाई। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट, फोटोज, वीडियोस वगैरह प्राइवेसी में रखने, आप इजीली नॉर्मली रख सकते हो। प्लस आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन मिल जाता है एंड इसका बजट भी बहुत ज़्यादा सही है। आपको 50,000 से लेकर आपको 60,000 के बजट में सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस इजीली नॉर्मली मिल जाएगा। प्लस इसका प्राइस और भी कम होने वाला, बिकॉज सैमसंग गैलेक्सी S21 नया लॉन्च हो गया, तो इसका प्राइस 100% मैं श्योर हूँ इसका प्राइस कम होने ही वाला है। तो यार आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है अगर आपको सैमसंग का ही स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है। प्लस इसके डिज़ाइन कलर वगैरह भी, सच में मुझे तो यार इसका लुक बहुत पसंद है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको डीपली थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.7 इंच डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को एक्सनॉक्स 990 देखने को मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, बहुत तगड़ा। प्लस इसमें दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक्सनॉक्स 990 एंड स्नैपड्रैगन 865, ठीक है। दोनों 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, बहुत तगड़ा है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बातों को 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस फास्ट चार्जिंग वगैरह भी आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कैमरे की बातों को क्वाड कैमरा मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो बैक कैमरे में। सेल्फी की बातों को 10 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है, जिसपे आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं प्राइस की, तो इसका प्राइस आपको 50,000 से लेकर 60,000 के बजट में मिल जाता है। तो भाई अगर आपने जाना है सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की, और ये स्मार्टफोन भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अभी आगे बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूँ, या नंबर 4 पर मैंने रखा है आईफोन 11 को। तो यार अगर मैं इस स्मार्टफोन की बात करूँ ना, इसका भी डिज़ाइन आपको बहुत स्टाइलिश मिल जाता है, इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे आते हैं, प्लस इसका प्रोसेसर बहुत तगड़ा है यार। आपको A32 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर आपने हाई ग्राफिक पे गेमिंग करनी है, आप कर सकते हो। प्लस भाई अगर आपको कैमरे के रिलेटेड भी स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए भी परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपने अपनी व्लॉगिंग करनी है, आपके लिए भी बेस्ट डील हो सकता है। प्लस भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बैक कैमरे में 4K ऑप्शन मिल जाता है, फ्रंट कैमरे में भी आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इस स्मार्टफोन का प्लस पॉइंट आ जाता है। बट इसके माइनस पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। अभी इसके माइनस पॉइंट की बात करूँ, इसकी माइनस पॉइंट सिर्फ इसकी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि सच में जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने हाई ग्राफिक पे गेमिंग करनी है, या भाई अगर आपने सिनेमैटिक वगैरह शूट करना है, ठीक है, तो इसकी बैटरी थोड़ी सी कम मिल जाती है। वैसे ओवरऑल देखा जाए, ये स्मार्टफोन आपको पूरा लोडेड मिल जाता है। अगर आपने लॉन्ग टाइम पे स्मार्टफोन को रखना है, आप इजिली नॉर्मली रख सकते हो। मैं आपको मेन स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ डीपली, ठीक है। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.1 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को 8GB चिपसेट मिल जाता है। स्टोरेज की बातों को 4GB रैम मिल जाती है, प्लस 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 64GB स्टोरेज, 128GB स्टोरेज, प्लस 256GB स्टोरेज। जो भी आपके बजट में सेट बैठता है, या जितनी आपको स्टोरेज चाहिए, आप उसके और जा सकते हो। बैटरी की बातों को 3110mAh की बैटरी मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करूँ, आपको डुअल कैमरा मिल जाता है, 12MP प्लस 12MP। सेल्फी की बातों को 12MP सेल्फी मिल जाती है, सेल्फी में भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। प्राइस की बात करूँ, इसका जो 64GB वेरिएंट है, वो आपको 50,000 के बजट में मिल जाएगा। जो मतलब 128GB वेरिएंट है, वो आपको 58,000 के बजट में मिल जाएगा। जो 256GB वेरिएंट है, वो आपको मतलब 60,000 से थोड़ा सा अपर देखने को मिल जाता है। तो आपने देख लेना, जो भी आपको बजट चाहिए, जो भी स्टोरेज चाहिए, आप उसके जा सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको आईफोन 11 के भी बता दिए। ये स्मार्टफोन भी आपको स्टाइलिश मिल जाता है, प्रोसेसर भी तगड़ा, गेमिंग के लिए भी बेस्ट है। प्लस भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ, कैमरा भी इसका बहुत गुड मिल जाता है। अभी आगे बात करते हैं नंबर 3 की।
नंबर थ्री की बात करूँ या नंबर थ्री पर मैंने रखा है MI 11 को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्मार्टफोन नया लॉन्च हुआ, ठीक है, एक वीक भी नहीं हुआ इसको लॉन्च हुए को, ठीक है। तो भाई अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। अभी बात करते हैं स्मार्टफोन की खासियत की। खासियत इसका प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलता है, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर आपने हाई ग्राफिक पे गेमिंग करनी है आपके लिए तो बहुत तगड़ा होने वाला है। प्लस भाई इसका कैमरा भी बहुत तगड़ा, आपको 8K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है बैक कैमरे में, बट आपको फ्रंट कैमरे में 4K ऑप्शन भी नहीं मिलता। तो भाई अगर आपने व्लॉगिंग करनी है ना, आपको फ्रंट कैमरे में 4K ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कि थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। लेकिन देखा जाए इसके प्रोसेसर को तो बहुत तगड़ा स्टाइलिश डिज़ाइन मिल जाता है। प्लस ये ब्लू कलर में बहुत सूट करता है। मैं मेन स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.81 इंच एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेशर के साथ आती है। तो यार 120 रिफ्रेशर सच में मैटर करता है, ठीक है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल जाता है, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। स्टोरेज की बात करूँ ये 2 वेड में देखने को मिलेगा, 8GB 12GB, जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बैटरी की बात करूँ आपको 4600mAh की बैटरी मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, प्लस 55W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूँ आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 108MP प्लस 30MP प्लस 5MP। सेल्फी की बात करूँ आपको 20MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको MI 11 के भी बता दिया। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो, लेकिन जो मैं आगे फोन बताऊंगा इससे भी पूरे लोडेड होने वाले हैं। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ या नंबर टू पर मैंने रखा है iPhone 12 mini को। तो यार अगर आपको एक हैंडी स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए बहुत सही होने वाला है। प्लस इसका कैमरा बहुत तगड़ा, स्टाइलिश डिज़ाइन मिल जाता है, कलर बहुत प्यारे हैं। प्लस भाई इसका प्रोसेसर उससे भी तगड़ा है, ठीक है। आपको A40 बॉनिक चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, आपके लिए भी परफेक्ट डील हो सकता है। इसके माइनस पॉइंट की भी मैं आपके साथ जो है सीधी बात करता हूँ, ठीक है। माइनस पॉइंट सिर्फ इसकी बैटरी देखने को मिल जाती है। तो यार अगर आपने हाई ग्राफिक पे गेमिंग करनी है या अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, सिनेमेटिक शूट करना है, तो इसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी, जो कि सच है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली बता देता हूं। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ को 5.4 इंच सुपर डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि OLED डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको A40 बॉनिक चिपसेट देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ 3 वेड में आता है, जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बैटरी की बात करूँ आपको 2227mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 20W का फास्ट चार्जर, वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करूँ आपको डुअल कैमरा मिल जाता है, 12MP प्लस 12MP, 4K ऑप्शन मिल जाता है बैक कैमरे में, फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है। सेल्फी आपको 12MP के साथ देखने को मिलेगी। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया iPhone 12 mini के। मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ भाई, अगर आपको एक हैंडी स्मार्टफोन चाहिए तब आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ या नंबर वन पर मैंने रखा है Asus ZenFone 7 Pro को। अगर इस स्मार्टफोन की खासियत की बात करूँ तो खासियत इसका कैमरा भाई देखने को मिलता है, ठीक है। बैक कैमरे में भी आपको 8K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है, फ्रंट कैमरे में भी आपको 8K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है, बिकॉज आपको एक फ्लिप कैमरा मिल जाता है। इसका डिज़ाइन या कलर वगैरह बहुत प्यारे हैं। प्लस अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए तब भी बेस्ट, अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए तब भी बेस्ट आपके लिए होने वाला है, ठीक है। आपको एक पावरफुल स्मार्टफोन मिल जाता है, जो कि स्मार्टफोन की सच में खास है, मिल जाती है। तो दैट्स वाइज को मैंने नंबर वन पर रखा। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.67 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 90 रिफ्रेशर के साथ आती है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिल जाता है, जो कि सच में बहुत तगड़ा। अगर आपने हाई ग्राफिक पे गेमिंग करनी है आप इजीली नॉर्मली कर सकोगे। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस 256GB स्टोरेज। बैटरी की बातों को 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 30W का फास्ट चार्जर, प्लस आपको रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ कैमरा एंड सेल्फी आपको सेम देखने को मिलेगी, बिकॉज आपको फ्लिप कैमरा देखने को मिलता है। प्राइस की बात करूँ आपको 70,000 के अप्रॉक्स Asus ZenFone 7 Pro देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Asus ZenFone 7 Pro की भी। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। तो यार 70,000 के प्राइस रेंज में आपको 8K वीडियो ऑप्शन मिल जाना तो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो भाई अगर मेरा बजट 70,000 होता ना, तो भाई मैं जाता Asus ZenFone 7 Pro की ओर। बिकॉज अगर आपने YouTube पे सर्च आउट करना है भाई, आप कर सकते हो। इसका कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा iPhone 11 Pro Max के साथ एंड iPhone 12 Pro Max के साथ, जो कि सच में मैटर करता है भाई। अगर आपको 70,000 के बजट में 1,00,000 के साथ कंपैरिजन होता है, तो यार इसमें कोई चीज़ तो होगी ना। आप चेकआउट कर लेना, आपको बहुत पसंद आने वाला। अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है, सिनेमैटिक शूट करना है, अगर आपने रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है Asus ZenFone 7 Pro। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कहना, सब्सक्राइब लाइक।
एंड इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चाउड कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।